नमस्कार, आप सभी का स्वागत है प्रेम की रसोई एंड ट्यूशन ब्लॉग में। तो गाइज, आप सब कैसे हैं? आशा करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो गाइज, आज की रेसिपी हम आप लोग से शेयर करूँगी, जिमीकंद की रेसिपी। कोई इसको जिमीकंद बोलता है, कोई इसको सूरन बोलता है, कोई ओल बोलता है गाइज। तो अपना अपना बोलने का तरीका अलग है गाइज। एकदम ये चिकन के जैसा बन के तैयार होता है गाइज। जो चिकन मटन खाते हैं वो इस तरीका से एक बार सब्जी बना लेंगे तो चिकन मटन गाइज अब भूल जाएंगे। तो आइए जल्दी से वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो पसंद आई होगी तो गाइज, हमारे चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो ऐसी नई नई रेसिपी देखने के लिए वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो देखिए, यहाँ पे मैंने 500 ग्राम ओल लिए है। अब इसको हम बढ़िया से छिलका निकाल के इसको पानी में 5 मिनट के लिए रख दिए थे। पानी में रख देने से ये सॉफ्ट हो जाता है गाइज। अब इसको हम पानी से निकाल लेंगे। पानी से निकालने के बाद गाइस, हम इसको थोड़ा सा नमक को ऐड करेंगे। तो इसको हम पहले पानी निकालने के लिए हम जाली के बर्तन में रख दिए हैं। तो पहले हम मसाला को देख लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने ग्रेवी के लिए 2 प्याज को लिए हैं, कुछ हमने लहसुन लिए हैं, 1 इंच अदरक का टुकड़ा लिए हैं, 4 हमने ग्रीन मिर्ची लिए है। लहसुन थोड़ा सा गाइस ज़्यादा इसमें ऐड करना है, तभी हमारा एकदम बढ़िया टेस्टी सब्जी बनके तैयार होगा। उसके बाद यहाँ पे मैंने राई लिए है, राई हमने पीला वाला लिए है। तो आप ये सब्जी बनाइएगा तो ज़्यादा से पीले वाला ही इस्तेमाल कीजिएगा, इससे सब्जी के टेस्ट बहुत बढ़िया आता है। तो सबसे पहले अब हम मसाला को तैयार कर लेते हैं। तो देखिए, हम 2 चम्मच ऐड करेंगे। तो यहाँ पे मैंने 2 चम्मच ले लिए हैं सरसों। अब उसके बाद हम इसमें जो मसाला के दिखाए हैं अब उसको डाल लेंगे। सारे लहसुन हम इसमें ऐड कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पे मैंने 4 ग्रीन मिर्ची लिए हैं। 2 ग्रीन मिर्ची को हम ग्रेवी में इस्तेमाल करेंगे, 2 मिर्ची तड़का के लिए इस्तेमाल करेंगे। साथ में 10 से 12 साबुत काली मिर्च को डालेंगे। साथ ही साथ यहाँ पे मैंने आधा टी स्पून साबुत जीरा को डाले हैं। अब उसके बाद थोड़ी सी पानी डालेंगे। पानी डाल के इसको बढ़िया से मसाला तैयार करेंगे। थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसको बढ़िया से पेस्ट को तैयार कर लेना है। मसाला तैयार हो गया है, एक बार हम इसको चेक कर लेते हैं। मोटा नहीं पीसना है, जितने बारीक रहेगा मसाला उतना ही हमारा सब्जी का टेस्ट बढ़िया आएगा गाइस। तो देखिए, यहाँ पे हमने एकदम बारीक मसाला पीस के तैयार कर लिए हैं। अब इसको हम साइड में रख देते हैं। अब ओल हमारा बढ़िया से इसका पानी सूख गया है, पानी बढ़िया से इसका निकल गया है, देख पा रहे होंगे। अब इसमें थोड़ा सा नमक को ऐड करेंगे। सूरन में नमक डालने से इसका अंदर तक नमक चला जाता है, तो ये एकदम पकौड़ा जैसा बन के तैयार होता है गाइस। तो इसको डालने के बाद हम बढ़िया से इसको मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद इसको रखेंगे नहीं गाइस, इसी समय पे मैं इसको डीप फ्राई करेंगे। डीप फ्राई के लिए यहाँ पे मैंने गैस से पहले से कढ़ाई बैठाए हैं, इसमें सरसों तेल को ऐड किए हैं। अब तेल एकदम बढ़िया से गरम कर लेना है गाइस, जैसे कि आप देख पा रहे होंगे हल्का सा इसमें धुआं आ रहा है। सूरन डालने के बाद लगभग इसको 1 मिनट हाई फ्लेम पे पकाएंगे। 1 मिनट बाद हम गैस की फ्लेम लो कर देंगे, ज़्यादा लो नहीं करेंगे, मीडियम टू लो करके इसको बढ़िया से डीप फ्राई करेंगे। तो लगभग ये 4 से 5 मिनट लग जाता है डीप फ्राई करने में। इसको इतना पकाना है कि हमारा सूरन एकदम बढ़िया से पक जाए। तो देख पा रहे होंगे कलर इसका गोल्डन ब्राउन हो गया है। अभी इसको हम मसल के आप लोग का दिखा देते हैं। ये देखिए, एकदम बढ़िया से सूरन पक गया है। तो इसी तरीका से डीप फ्राई करते समय पे सूरन को बढ़िया से पका लेना है। देखिए, एक और हम इसको मसल के दिखा रहे गाइस, एकदम बढ़िया से ये पक गया है। अब इसको हम निकाल लेंगे। सारे सूरन को निकालने के बाद ये जो तेल बचा है इसी में हम ग्रेवी के लिए तैयार करेंगे। यहाँ पे मैंने 1 टी स्पून साबुत जीरा को ऐड किए हैं, 2 सूखा मिर्ची को 2 भागों में तोड़ के ऐड किए हैं, साथ में 2 तेज पात को ऐड किए हैं, 1 हम बड़ी इलायची को ऐड किए हैं।
हल्का सा इसको तड़का को चटका लेंगे। तड़का बढ़िया से चटक गया है। साथ में दो ग्रीन मिर्ची को हम लंबा शेप में काटे हैं तो साथ में इसको डाल लेंगे। ग्रीन मिर्ची को लास्ट में डालना है और उसके बाद हम मसाला इसमें ऐड करेंगे। जो हमने मसाला को तैयार किए है साथ में इसको डाल लेंगे और साथ ही साथ हम इसमें और कुछ मसाला को ऐड करेंगे। तो सबसे पहले धनिया पाउडर को 2 टीस्पून ऐड करेंगे। आपके पास साबुत धनिया हो तो मसाला के ग्रेवी बनाते समय पे साबुत धनिया 2 टीस्पून ऐड कर सकते हैं। साथ में 1 टीस्पून हल्दी पाउडर को ऐड करेंगे। साथ ही साथ यहाँ पे मैंने 1 टीस्पून मिर्ची पाउडर को ऐड किए हैं। अपना तीखा के अकॉर्डिंग मिर्ची पाउडर को कम बेसी कर सकते हैं। मिर्ची पाउडर को आप स्किप भी कर सकते हैं अगर तीखा कम खाना पसंद करते हैं तो। गाई हम थोड़ा सा सूरन के सब्जी स्पेसी बना रहे हैं इसलिए 1 टीस्पून मिर्ची पाउडर को ऐड किए हैं। अब सारे मसाला डाल के इसको 3 से 4 मिनट भूजेंगे। तो आप लोग देख पा रहे होंगे यहाँ पे हल्का सा तेल छोड़ दिया है मसाला। अब साथ में हम जो प्याज काट के रखे हैं लंबा शेप में उसको डाल लेंगे। जब भी प्याज काटिएगा तो थोड़ा सा पतला पतला लंबा शेप में इस तरीके से काटिएगा। लंबा शेप में काटने से प्याज बहुत जल्दी गल जाता है। और साथ ही साथ हम लंबा शेप में 2 बड़ा साइज के टमाटर काटे हैं। अब इसको भी हम डाल लेंगे। अब साथ में टमाटर के ऊपर हम स्वाद अनुसार नमक को ऐड करेंगे। टमाटर के ऊपर नमक डालने से टमाटर बहुत जल्दी गल जाता है। अब इसको हम बढ़िया से मिक्स कर लेंगे। 1 चम्मच के लगभग इसमें कश्मीरी मिर्ची पाउडर को ऐड करेंगे। कश्मीरी मिर्ची पाउडर तीखा नहीं ले आता है गाई, थोड़ा सा ये कलर सुंदर कर देता है। तो आप चाहे तो इसको स्किप भी कर सकते हैं। मसाला बढ़िया से पकाने के लिए साइड साइड से थोड़ा सा हम इसमें पानी डाल लेंगे। पानी डालने के बाद इसको बढ़िया से हम मिक्स करेंगे। अब मसाला तब तक पकाना है जब तक मसाला से तेल छोड़ न दे। मसाला को बढ़िया से पकाने में लगभग 3 से 4 मिनट लग जाता है गाई। तो आप लोग देख पा रहे होंगे टमाटर एकदम बढ़िया से गल गया है। इसी तरीका से टमाटर को बढ़िया से पका लेना है। मसाला भी हमारा बढ़िया से पक गया है जैसे कि आप देख पा रहे होंगे तेल छोड़ दिया है। अब इसमें सूरन को डाल लेंगे। सूरन डालने के बाद इसको बढ़िया से मिक्स करेंगे। 1 से 2 मिनट के लिए हम ढक देंगे। ढक देने से इसका मसाला अंदर तक सूरन में चला जाएगा गाई। तो 2 मिनट हो गया, एक बार हम चेक कर लेते हैं। तो वाह, आप देख सकते हैं गाई कितना सुंदर सब्जी के कलर आया है। मसाला भी बढ़िया से पक गया है। आप चाहे तो इसी तरीका से सब्जी को सूखा बनाना चाहते हैं तो आप बंद कर सकते हैं गैस को। तो देखिए कढ़ाई से एकदम बढ़िया से तेल छोड़ दिया है। सूरन भी बढ़िया से पक गया है लेकिन थोड़ा सा हम इसको ग्रेवी बनाएंगे। तो 1 गिलास के लगभग इसमें हम पानी को ऐड करेंगे। पानी ऐड करके बढ़िया से इसको मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद इसको 2 से 3 मिनट के लिए हम ढक देंगे, गैस के फ्लेम लो कर देंगे। मसाला के ऊपर थोड़ी सी हम बारीक कटी हुई हरा धनिया को ऐड करेंगे। मसाला में धनिया को ऐड करने से टेस्ट बहुत बढ़िया आता है गाइस। अब इसके बाद 2 से 3 मिनट के लिए हम ढक देंगे। गाइस आप देख पा रहे होंगे कि सूरन के सब्जी कितना मज़ेदार बन के तैयार हुआ है। आप लोग का देखने से ही लग गया होगा गाइस। तो ये सूरन की सब्जी एक बार मेरे तरीका से ज़रूर बना के देखिएगा गाइस, आप लोग का बेहद पसंद आएगा गाइस। आशा करते हो कि नए तरीके का सूरन की सब्जी आप लोगों को बेहद पसंद आई होगी।